सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थान गतोपि आया सुमेरु पुंडरीकाक्षा बाह्या भयंत्रा शुचि ओम सर्व मंगल मांगले सर्वार्थे साधिके शरणं तन्मे गुरु नारायण नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलार्चनो हरि। हमारे घर आने वाला था ना, तो फिर इधर ये सब नौटंकी का है का? चलो मारा उतारो उसे गले से जल्दी। जल्दी उतारो। देख क्या रहे हो अब? पहनाओ मुझे जल्दी। इतना माँ को फोन लगाओ। अब एंडे मंत्र चालू करो। मंगलम भगवान इसको मंगलम गणोध्वजा। माँ। हाँ बिटिया। गृह प्रवेश की तैयारी रखो, हम फेरे लेके आ रहे हैं। चलो जल्दी चलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। चलो फूल डालो सब लोग। सर मंगल मांगले सर्वात्मे सर्वशास्त्रात् कृतनुमे चोरी नारायणी नमस्ते। ओम स्वस्तिनो इंद्रो विधत्वा स्वस्तिनो इंद्रो गृहस्थ सर्वस्थान गतोऽस्मि पुंडरीकाक्षा सा बाह्या भयंत्रा शुचि। हमारे यहाँ पर एक रस्म, ये मटका आपको सर पे रख के गृह प्रवेश करना होगा, लेकिन ध्यान रहे ये गिरना नहीं चाहिए। चलिए बाया पैर से कलश गिरा के अंदर आइए, इसे सर पे रखिए। बाएं पैर से ये कलश गिराइए। Thank you.
सुकमा आपको पता है ना, मेरे तरफ से कोई प्यार-प्यार नहीं है। ये बिजली मेरी ट्यूशन में पढ़ती है, तो बस दोस्त और कुछ नहीं। ये बिजली ना बहुत बचकाने हरकतें करती थी, इसलिए मैं नजरअंदाज कर देता था। मुझे क्या पता कि वो मुझसे प्यार कर बैठी, और इतना कि जान देने के लिए तैयार हो जाएगी। अब टेंशन मत लो, मैं संध्या के माँ बाप से बात करता हूँ। क्या है ना, आप इनकी बातों को टाल भी नहीं सकते। ये बिजली की अम्मा ना थोड़ा बिजली को लेकर टेंशन में रहती है, तो वो चाहती है कि कुछ दिन यहीं पर रहूँ। अरे अम्मा, कुछ ही दिन की बात है, सब कुछ ठीक होती ना मैं उसे लेकर घर आ जाऊँ। आप अपना गौरी का ध्यान रखें, ठीक है? हाँ अम्मा, हाँ भी रखता हूँ। जानू, वो दोस्तों छोड़ ही नहीं रहे थे, पर आज तो हमारा सारा रात हमारे सुहाग को समर्पित है। आज जो चाहे करेंगे करेंगे ना। अरे शेरवानी में तो एकदम लंदन टॉप दिख रहे हो। शर्मा का है रहे हो, दुल्हन है हम तुम्हारी। अरे दूर हटो, शराब पी के आई हो, आज होश में नहीं। जिस दिन होश में होगी ना, उस दिन जो होना होगा होगा। जो होना है आज ही होगा। तेज है, सुहाग है, सुहाग रात भी, तो अब नहीं तो कब होगा जानो। जो होना है आज ही हो। मसा रहा है हमारा, एकदम पलंग तोड़ पति हो तो। अच्छा, क्या था ना? अरे चाय तो पिला दो जानू। सोचे थे कि जब शादी होगा तो पति चाय के साथ जगाएगा। अब पति तो तुम हो और किचन उधर, जाओ ना एक कप चाय पिला दो ना। पांच किलो बिना छिलके वाली मूंग दाल, 20 किलो अच्छे वाले बासमती के चावल जी नन, और 40 किलो गेहूं जी, उसको बोलना अच्छे वाले दे जी, और 5 किलो गुड़ जी। लिख लिया जी। मुंह क्या देख रहा है, निकल जी। एक नौकर ढंग का नहीं है घर में। पहला क्यों बोल? अरे खुश कर। सुबह सुबह बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, इतना भी नहीं सिखाई है तुम्हारी अम्मा। जाओ
माँ का पैर छुओ। जाओ, सोच क्या रहे हो? जाओ ना। अरे खुश रहो, खुश बैठो। आओ आओ जानू, आज हमारे गृहस्थ जीवन का पहला दिन है, तो तुम मेरे लिए खीर बनाओगे ना? और हाँ, पूरी सब्जी भी बनाना। हम भी तो चक्के देखें कि लड्डू हलवाई का नाम किसी काम का है भी कि ऐसे ही बनाओ ना। अरे लेकिन हमने कभी खाना नहीं बनाया। हम बाबूजी का हाथ बटा देते थे कभी कभार। फिर तो हमें खाली पेट ही रहना होगा। अब लड्डू हलवाई का बेटा हमारा पति है और हम किसी और के हाथ का बना खाना खाएं? नहीं। और वैसे भी हमें नौकरों के हाथ का बना एकदम अच्छा नहीं लगता। बनाओ ना, बहुत चूहा दौड़ रहा है पेट में। ठीक है। वाह वाह वाह, चीनी वहां, चावल वहां और दूध ये रहा। चलो जानू, तुम बनाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक है? बेटा, समधन जी बहुत ताकतवर औरत हैं, इतना बड़ा बिजनेस चलाती हैं, नेता सबके साथ उठना बैठना है उनका। ऐसी औरत के साथ कौन विरोध कर सकता है? सो तो है अम्मा, लेकिन हमको तो भैया के बारे में सोच सोच के टेंशन हो रहा है। क्या है? बिजली उनकी इकलौती औलाद है अम्मा। हम समझते हैं कि इकलौती औलाद को अपनी नजर से दूर रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन शादी के बाद तो लड़की को ससुराल आना ही पड़ता है, और इन सब चक्कर में भैया को कहीं उनके तलवे ना चाटना पड़े। हे गौरी, जा आरती का थाली लेके आ, जीवा बहू के लेके आ गया। जीवा समधन जी, चिकना पैसे रख दिया। समधन, ये सब कहाँ है समधन जी? ये सब हमको नहीं चाहिए। तुमको कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए इससे हमको मतलब नहीं। हमारा मन किया कि बेटी के ससुराल में सगुन जाएगा तो हम लेकर आ गए। ये घर में हमारी बेटी नहीं रह पाएगी, उनको आदत नहीं है इन सब चीजों। वैसे घर खर्च कितना होता है तुम्हारा? यही 25-30 हजार। बस इतने में हो जाता है? कोई बात नहीं, महीने के हर 5 तारीख को चिकना 40 हजार रुपए देकर जाएगा। तुमको घर में किसी चीज की कमी ना होने देंगे, लेकिन हमारा दामाद हमारे घर रहेगा, घर जमाई बनकर। आज से ये घर उसके लिए पराया हो गया है। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? हमारा बेटा घर जमाई? नहीं, हम ही नहीं होने देंगे। हमने फैसला कर लिया सो कर लिया, और ना सुनने की हमको आदत नहीं। चल चिकना। समधन जी, समधन जी, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा बेटा घर जमाई कैसे बनेगा? हम नहीं बनने देंगे। हमारे जैसे नहीं है भैया, उन क्या रह रहे हैं? शांत हो जाओ। अरे अरे सुनो, टिफिन तो लेते जाओ, पर रात का पुलाव पैक किए हैं।
आज जहर पुलाव बनाए थे जानू, हम तो उंगलियां चाटते रह गए। अरे दामाद जी, हट 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 हट। हम क्या कह रहे थे, वो शादी के बाद पहली बार ऑफिस जा रहे हैं ना, तो हम सोचे कि महादेव जी का आशीर्वाद लेते जाए। हाँ महादेव बाबा आपको बहुत सारी तरक्की दे। हाँ वो हम सुनेंगे ब्रिज के टेंडर कोटेशन का फाइल आप ही के पास रहता है ना है? तो बेटा कल ना, कल नहीं, हम कह रहे थे कि शाम को आते वक्त लेते हैं। अब जाओ। कहे नहीं लाई टेंडर की फाइल, कब मिला अम्मा का दिमाग गर्म करके? अगर फाइल ले आते तो पता चल जाता ना किस कंपनी ने कितना कोटेशन भरा है। हम कम कोटेशन भर के टेंडर ले रहे थे, और कल आखिरी डेट है, जानते हो ना। अरे एक टेंडर नहीं मिला तो क्या पहाड़ टूट पड़ा? हाँ और ये आखिरी टेंडर है, और भी आएंगे ना, सही कोटेशन डाल के ले लेना, और टेंडर उसी को मिलेगा जिसके पास ब्रिज बनाने का एक्सपीरियंस है। और अंतिम बात, ये चोरी चकारी ना हमसे ना हो पाएगा। दामाजी, हम कौन सा आपसे चोरी करने के लिए कह रहे हैं, हम तो केवल आपसे सूचना मांग रहे हैं। अगर ये ब्रिज हम बनाते तो घर में चार पैसे आ जाते, और ये सब कौन सा हम अपने लिए कर रहे हैं, आपके और बिजली की भलाई के लिए तो कर रहे हैं, इतना तो आपको समझना चाहिए। देखो जितना समझना था ना हम समझ गए, अब बाकी की समझ अम्मा और गौरी के साथ बांटेंगे। घर जा रहे हैं, चलना है तो चलो। ना हम जाएंगे ना तुम जाओगे, कहा है कि घर में पूजा है और हम दोनों का साथ बैठना जरूरी। हमारी अम्मा और बहन को यहीं बुला लिए हैं, मिल लेना, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हजारों सालों से ये परंपरा रही है कि लड़की शादी के बाद अपना घर छोड़कर ससुराल में रहती, आज भी भारतीय समाज में यही प्रथा चली आ रही। घर जमाई यानी पुरुष शादी के बाद अपना घर छोड़कर ससुराल में रहता है, इसे एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के घर जमाई नहीं बनते, परिस्थिति या किसी और वजह से पुरुषों को अपना घर छोड़कर ससुराल में रहना पड़ता है। हर शादी में लड़के लड़की को एक दूसरे से कुछ उम्मीदें कुछ अपेक्षाएं होती है, जो कि सामान्य और जायज सी बात है। जीवा को भी बिजली से कुछ उम्मीदें थी, लेकिन दिन बीतने के साथ जीवा के साथ वो सब कुछ होने लगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी शहर की एक दिल दहला देने वाली घटना। जीवा को मजबूरन घर जमाई बनना पड़ा, लेकिन क्या जीवा की मुश्किलें यहीं थमने वाली थी या उसकी जिंदगी कोई दूसरा मोड़ लेने वाली थी, आइए देखते हैं। प्रणाम समधन जी। ये सब क्या लाई हैं आप? ये तो हम अपने घर के नौकरों को भी नहीं देते। अब लाइए तो रहने दीजिए, कम से कम इतना तो पता कर लेती कि बेटे के ससुराल में क्या क्या लेके जाना चाहिए। हैं? ठीक ना, एक बड़ी थाल में पानी ले आ दो। अब क्या है ना, बेटे का ससुराल खुश तो बेटा खुश है, इतना तो आप भी जानती हैं। और हमारे यहां पर एक रिवाज है, जब बेटे की माँ पहली बार उसके ससुराल आती है ना, तो समधन के पैर धोए जाते हैं। ला रख, थोड़ा जल्दी करिएगा, देर ना हो जाए पूजा के लिए। लीजिए करिए। माँ नहीं, जीवा यही रहता है, उसका जीना तो भर हो जाएगा। देर हो रही है पूजा के लिए।
अम्मा क्या कर रही हो ये? तो आप क्या कर रही हो? रस्म निभा रही है, हम ठाकुरों में रस्म है ये। कौन सा रस्म है और क्यों, सब पता है मुझे। ज्यादा गला मत फाड़ो, हम गला फाड़ेंगे ना तो कान का पर्दा फट जाएगा, समझे? और माँ क्या ये सब पुराने रीति रिवाज लेकर बैठी हो? लड्डू हलवाई का परिवार आया है, सोचे थे कहे स्वादिष्ट खाना खाएंगे और तुम हो कि ये सब टंटा लगाए बैठी हो। जाओ गौरी अपने भैया के साथ स्वादिष्ट खाना बनाने में मदद करो, जाओ देखे तुम्हारे हाथ में कितना स्वाद है, जाओ। खाना मैं बना देती हूँ। गौरी के हाथ में महंगी लगी है का? चलो बेटिया भैया के साथ जाके अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाओ, जाओ आप बैठिए हम बतियाते हैं। तुम राज का पिछला जन्म उसके सपनों के रास्ते से उसे याद दिला सकती हो। ओम नमः शिवाय। कोई भी व्यक्ति इस झील में डुबकी लगाता है उसे अपने पिछले सारे जन्म याद आ जाते हैं। अगर हम रियल लाइफ में सांप होते तो? जो हमारे सपने होते हैं ना कहीं वो हमारी हकीकत से जुड़े हुए होते हैं। फिर लौट आई नागिन, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। कह दे रहे हैं आज के बाद हम अपने पति के अलावा किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। वैसे गौरी भी अच्छा बनाई है लेकिन जो स्वाद हमारे पति देव में है वो किसी और के हाथ में नहीं। क्यों जानू आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो कितना खुश होते। नहीं खाइए खाइए आप भी खाना खाइए, लीजिए और लीजिए। अच्छा समधन जी अब हम चलते हैं। अरे चले जाइएगा, बेटे के हाथ का बना हुआ खाना खा लीजिए ना। खाइए खाइए हाँ बेटा खाओ। पेशेंट का फाइल याद से ले आना। हाँ क्या है ना अगर नहीं लाए तो अम्मा को बहुत बुरा लगेगा और अम्मा को गुस्सा आ जाएगा और जब अम्मा को गुस्सा आता है ना तो हमको भी बहुत गुस्सा आता है और वो चिकना वो तो जलने लगता है गुस्से के मारे। दिमाग से पैदल है वो, कभी भी कुछ भी कर सकता है। और तुम तो जानते हो तुम्हारी अम्मा और गौरी घर में अकेले रहते हैं और जमाना इतना खराब है, है? खराब है ना। जाओ फाइल लेकर आओ। बहुत समय लगा दिए दामाद जी। सुनो इधर आओ।
कहाँ है, कहाँ है ये? अरे छोटी सी नहर का टेंडर है ये, हैं? कोनो हाईवे का ब्रिज नहीं है। हम कहते हैं बिजली, अगर आज तुम्हारे मां का सिंदूर ना होता ना, दुनिया में ना होता ये। माँ एक मिनट, आप शांत हो जाओ, मैं बात करूँ। कैसे शांत हो जाए? माँ बात करो उससे। क्या कर रहे हो ये सब? काहे माँ का दिमाग खराब कर दिए? फिर गलत फाइल ले आए। जिस ब्रिज की बात कर रही हो ना तुम, वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। एक बार बन गया ना तो बहुत बिजी हो जाएगा। कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना तो बहुत लोग मारे जाएंगे, जान माल का बहुत हानि होगा, समझो? इसलिए एक्सपर्ट लोगों को बोला गया। तुम मत जाना, तुम मत जाना उस ब्रिज पर, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, हो गया ना, ये सारी दुनिया का ठेका अपने कंधे पर लिए बैठे हो, परिवार छोड़कर सारी दुनिया की सोचो। सोचे थे कि तुमसे शादी होगा तो पैसा और पावर दोनों में बढ़ोतरी होगा, क्या मालूम था कि ऐसे निकम्मे का बोझ ढोना पड़ेगा। अच्छा तो गलत तरीके से टेंडर लेने में मदद नहीं की तो निकम्मा हो गए, पब्लिक सेफ्टी के बारे में सोच रहे तो निकम्मा हो गए, तुम लोग एक घोटाले में साथ नहीं दे रहे तो निकम्मा हो गए। सही है बिजली जी, क्या बात है जी? यही बात है मेरे समाज सेवक पतिदेव, और असल बात ये है कि बस आज ही की रात है तुम्हारे पास। सोच लो कि हमारा साथ देकर आराम से नौकरी करनी है या साथ ना देकर अपनी नौकरी से हाथ धोना है। समझ गए क्या बात है? यही बात है। अच्छा तो अब हमें धमकी दिया जा रहा है? अरे अरे तुम तो नाराज हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, कैसा है, ये हम सब समझ गए। अब हमें समझ में आ गया कि काहे हमें घर जमाई बनाकर रखी है। बहुत कर लिया तुम्हारे लिए बिजली, अब और नहीं हो पाएगा। एक और बात, अपनी ये धमकी जो अपने पल्लू में बांध कर रखो, क्योंकि ये निकम्मा तो अपना घर जाए, चलना है तो चलो, नहीं तो यही फैसला। हस्ती खिलखिलाती संतों से जुड़ा अभिमानी धर्मराज का साथ। ये शादी धर्मराज माहिया वंशी उस लड़की के साथ शादी। लेकिन रिश्तों को एक करने संतों देगी अब कौन सा बलिदान? मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मेरी संतान इस घर के रिश्ते में कभी नहीं आएगी। बंदनी सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल पर। उनका क्या पता था कि बहू ऐसे निकलेगी? कोई अपने पति से ऐसा व्यवहार करता है? जब तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी तब भी तो हमसे मिली थी, कितनी सुशील दिखती थी। दो भैया नाश्ता करो, अम्मा ने अपने हाथ से बनाया गरम गरम समोसे। कई अरसों बाद कोई हमें खाना परोसता है। इतने दिनों से हम घर पे सिर्फ लोगों को खाना परोसते रहे, किसी ने एक ग्लास पानी तक नहीं पूछा हमें। कौन है? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आपके खिलाफ वारंट है हमारे पास। वारंट हमारे खिलाफ? अरे हम क्या किए? अच्छा क्या बात है, आपने अपनी पत्नी बिजली शर्मा के साथ मारपीट की है। दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया है, इसीलिए उनकी मां सितारा देवी ने आपके खिलाफ केस दर्ज किया है धारा 498 ए के तहत, इसलिए हम आपको अरेस्ट करने आए। चलिए। ये सब गलत है इंस्पेक्टर साहब, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरा बेटा निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। देखिए आपको जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में आके कहिएगा, अभी हम अपनी ड्यूटी पर हैं और आप हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए। चलो इनको
जी बिजली जी, बताइए हमें आपके साथ क्या क्या हुआ। क्या बताएं आपको, हमारे पति हमको बहुत मारते थे। हमारी सास उस्ताती रहती थी और हमारे पति हमें बैगों से मारते थे। देखिए कितना मारा है हमें। देखिए हमारा गला तक दबाने की कोशिश की गई है। देख रही है ना आप, ये देखिए हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत बहुत पीटा है हमें। अम्मा देखो कैसे झूठ झूठ बोल रही है ये भैया के बारे में। बेटा तुम लोग को नहीं जानती। हाँ पता है अम्मा कि भौजी और उनकी अम्मा बहुत ही पावरफुल है, तो कहाँ हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और अम्मा भैया को खेल की शक्ति पीछने के लिए छोड़ दे। नहीं अम्मा, अब हम से ये सब सहन नहीं हो पाएगा। हम एक वकील को जानते हैं, हम उनके पास चलते हैं। चलो अम्मा, पता नहीं इन सब से कुछ होगा या नहीं होगा, ना जाने किस हाल में होगा हमारा बचवा। अब अगली सुनवाई तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इतना तो इंतजार कर लिया वकील साहब, और कितना इंतजार करें। जब केस आगे बढ़ाना है तो पैसा तो लगेगा ही। पैसा कहाँ से लाएंगे, बचवा की नौकरी चली गई है, यहाँ खाने के लिए कम पड़ रहा है। क्या करें वकील साहब, फिर सड़ने दो जल में। जब का पैसा आएगा तब का देखा जाएगा। वकील साहब मेरी बात तो सुनिए। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 498A के तहत किसी महिला पर यदि उसका पति या ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर उस पर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना या यातना करें तो कानून ऐसे व्यक्ति को कारावास की सजा सुनाती है। लेकिन आज ऐसी बहुत सी वारदात सामने आई है जहां महिलाओं को इस कानून का दुरुपयोग करते पाया गया है। महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर अपने निर्दोष पति और उसके ससुराल वालों पर झूठा मुकदमा दर्ज करती, जैसा कि सितारा देवी और बिजली ने की। जीवा का साथ ना मिल पाने के कारण उनके गलत मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग कर अपने पति को झूठे केस में फंसवा दिया। जीवा पूरी तरह से कानून की गिरफ्त में आ चुका था। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या जीवा इस झूठे मुकदमे से बाहर निकल पाएगा, क्या वो अपनी पत्नी और सास के चंगुल से निकलने में कामयाब हो पाएगा। आइए देखते हैं। हम काहे कर रहे हैं जमानत तुम्हारे बेटे की, हाँ? हमको क्या फायदा? अरे हम जो बोले वो तो किया नहीं, ऊपर से हमको नीच स्वार्थी और कुछ बहुत कुछ बोलकर चला गया, और ऊपर से तुम हमको बोल रही हो हम उसकी बेल कराए। ये समझ जी, जीवा आपका दामाद है, केस वापस ले लीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे माफी मांग रहे हैं, आपके पांव पड़ रहे हैं। से बच्चे को बचा लीजिए, उसे मत तड़पाइए इतना। हम जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा करेगा। हम जो कहेंगे वो करेगा। हाँ हाँ समधन जी, जो आप कहेंगे वो करेगा। ठीक है, तो फिर वचन दीजिए कि हमारे दामाद जी हमेशा घर जमाई बनकर हमारे घर रहेंगे। हाँ समधन जी, हम वचन देते हैं जो आप चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा करेगा। हाँ थानेदार साहब,
हम सितारा देवी बोल रहे हैं। अरे वो हम जो अपने दामाद जी पर केस किए थे ना, वो हम वापस ले रहे हैं। हाँ छोड़ दीजिए उसे, हमारा वकील कागज लेकर पहुंच जाएगा थाने। लीजिए हो गया, अभी थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा आपका बेटा। अब यहां से जाइए और दोबारा मुड़कर मत देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदन जी। मिटारे देश से जुर्म का नामो निशान, आ रहे हैं अली और हनुमान। CIF हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। और पति परमेश्वर, मन भर गया केस कचहरी से या और केस करना है? कहां से लड़ोगे केस, कंगाल तो हो गए हो। चलो कोई बात नहीं, हम है ना अपनी जिंदगी का नया शुरुआत करेंगे। चलो अब सब कुछ भूल जाओ और हमारा पैर दबाओ। जब तक तुम पैर दबा नहीं देते ना, दर्द जाता ही नहीं है। क्या करें, आदत ना पड़ गया है। आओ पैर दबा। दबाओ ना। बीवी को खुश रखोगे तभी ना शादी टिकेगी मेरे पति परमेश्वर, और हमको खुश रखोगे तो जिंदगी गार्डन गार्डन हो जाएगी। हमाम ठीक है, तुम चिंता मत करो और पैसों को भी टेंशन मत लो, हम इंतजाम करते हैं। और वो एटीएम है गौरी के पास, कभी भी कोई भी पैसों की जरूरत पड़े तो उसको बोलना एटीएम में जाके पैसे निकाल ले। हाँ खाना खा लिया। कहाँ जमाई राजा, कोनो काम धंधा तो है नहीं, मुफ्त का फोन मिल गया तो लग गए। किससे बतिया रहे हैं, अम्मा और बहन से? कितनी बार बोला है तुमको कि अम्मा और बहन को भूल जाओ और घर के कामकाज में मन लगाओ? समझ नहीं आता क्या, बहुत होशियार बनते हो। यही होशियारी के चक्कर में नौकरी गई तब भी नहीं समझे, मुफ्त की रोटियां तोड़ते शर्म नहीं आती? ये लो कपड़े धो और टाइम पास मत करना, नहीं तो। और आज से घर के सारे काम का जिम्मा तुम्हारा। अरे नहीं लेना कोई जिम्मा मुझे, ये सब करवाने के लिए बेल करवा के लेके आए थे? अरे जेल भेज दो, वही में खुश था मैं। वही खुश थे बेटा, तभी तुम्हारी अम्मा गिड़गिड़ाकर हमारे पैरों में तुम्हारी जमानत मांगने आ गई है, और हम छुड़ा कर लाए तो तुम्हारे पंख निकल आए। तुम्हारे पंख उतरने में टाइम नहीं लगेगा हमें, हमसे जवान लड़ाते हो मुफ्त और स्वार्थी कहीं के। चिकना मार इसको। बहुत जवान लड़ा। जल्दी करो, तू क्या कर रहा है? ले क्या? वाह वाह क्या बात है,
इंतजाम तो चिकना बाबू एकदम लल्लन साफ किए हो। और डांस के लिए म्यूजिक रेडी है कि नहीं? तुम बोलोगी और रेडी नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? चिकना के रहते ऐसे कभी हुआ है का? बस तो फिर आज सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए। आज ऐसा लौंडा डांस होगा कि सारे लोग याद रखेंगे हमेशा। कब होगा ये लौंडा डांस? पता चलेगा, अभी तैयारियां करो, शाम तक पता चलेगा। और जल्दी 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 हाथ चलाओ। चले छोड़ो ये सब, आज तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये लो कपड़ा और बदल लो। आज घर में कुछ स्पेशल मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारा काम है उन्हें खुश करना। आज ऐसा नाच नाचो कि उनका मूड एकदम मस्त हो जाए और वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बैंक से फंड की मंजूरी दे दें। बस, और हमें पता है तुम ये कर सकते हो। हम जानते हैं कॉलेज में भी तो क्या जबरदस्त डांस करते थे, इसी पे तो फिदा हुए थे हम। तो क्या कह रही हो मुझे? तुमको सबके सामने लौंडा नाच करने के लिए कह रही हो? अरे तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं पति है तुम्हारा, चोरी हरकत मुझसे मत करवाओ। तुमसे नहीं हो पाएगा बिजली। तुमसे होगा और जरूर होगा। हम जो कहेंगे तुम वो करोगे, और अगर नहीं करोगे तो याद है ना, घर पे माँ और गौरी अकेले रहते हैं। याद है ना? क्या उन्हें भी भूल गए? जल्दी से तैयार होके आ जा। स्वयं शनिदेव हमारे रक्षक हैं तो हमें क्या चिंता। जिनके न्याय चक्र से सृष्टि में हो रहा है पापों का नाश, सूर्य पुत्र शनि के रहते ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा। पाप करने वाले पापियों को दंड अवश्य देंगे। शनिदेव की वक्र दृष्टि से दूर होगा भक्तों के जीवन का अंधकार। शनिदेव महाराज की जय। महिमा शनिदेव की सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। जानते कि आज हम तुझे जो कहने जा रहे वो सुनके सुनके तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अरे बहुत गंदी जिंदगी जी रहे अम्मा है आप। बिजली और उसकी अम्मा बहुत ताकतवर है, तू नहीं लड़ पाएगी अम्मा उससे, तू नहीं लड़ पाएगी। प्रशासन भी बहुत बहुत पकड़ है अम्मा, आपको तो पता ही है ना कि मैं बिजली से शादी नहीं करना चाहता था। हमको नहीं पता था अम्मा कि बिजली की अम्मा इतनी बड़ी जल्लाद होगी। जिंदगी नरक बना दिया मेरा अम्मा। अम्मा हमें मुक्ति मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए हमें। Oh, my God.
आप लोग इंसान है या जल्लाद है? हालत देखिए इसकी, क्या कर दिया आप लोगों ने इसके साथ? थोड़ा सा भी देर हो गया होता ना, न जाने क्या कर बैठता ये। अरे ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब, सब नाटक कर रहा है ये। अच्छा नाटक ये कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं? मेरे पास इसका डाइंग स्टेटमेंट है, और एक बात बता दूं आप लोगों को, डाइंग स्टेटमेंट से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। मैं अभी इसी वक्त आप लोगों को गिरफ्तार करता हूं, और आपको भी। बंद कर दीजिए इन्हें, मुक्ति दिलवाइए हमारे बच्चों का। माँ बेटी ने मिलकर हमारा जीना मुहाल कर दिया है, देखिए हमारा बच्चा का क्या हाल कर दिया है। चलो इन सबको। जानते हो इंस्पेक्टर किससे बात कर रहे हो? ये तुम्हारा थाना नहीं है जो तुम्हारा ध्वंस चलेगा, ये हमारा घर है और यहाँ सिर्फ हमारा ध्वंस चलता है। जानते हो हमारे पास कितना पावर है? हैं? सितारा देवी, आपका अपना ये पावर ना कोर्ट में दिखाइएगा, मेरे सामने नहीं। और हाँ, आपको शांति से चलना है या नहीं चलना ये आप डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो महिला कांस्टेबल जो है ना घसीटते हुए ले जाएंगे आप दोनों को। हमारा पावर नहीं जानते हो तुम इंस्पेक्टर। चलिए जीवा को जबरन बंधक बनाने और मानसिक और शारीरिक यातनाएं देने के जुर्म में कानून ने सितारा देवी और बिजली को सश्रम कारावास की सजा सुनाई, और चिकना को भी उनका साथ देने के जुर्म में अदालत ने कठोर सजा सुनाई। मनोचिकित्सक की देखरेख में जीवा काफी हद तक स्वस्थ हो गया और अब वो सकुशल अपनी नौकरी कर रहे। दोस्तों आज समाज में जो हालात है, ऐसे में शादी विवाह तय करने से पहले लड़के और लड़की के बारे में विस्तार पूर्वक जांच परख करना बेहद ही आवश्यक है, वरना आपकी जरा सी लापरवाही से जीवा की तरह आप भी किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना बेहद ही आवश्यक है। ये आंकड़े काफी चिंताजनक है, और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को हमारे देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाला कानून माना गया है, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून का संशोधन किया है। अब मुकदमा दर्ज होते ही पति और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत और गवाह जुटाने की हिदायत दी गई है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।